क्या हो गया तुम देखे इन तस्वीरों में किस तरह से ये लोग खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दबंगई को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं है। आपको बता दें कि ये वारदात मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के खावरिया गांव से सामने आई है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर मिट्टी डालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और इसके साथ ही लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते एक दबंग पक्ष ने अपनी छत पर चढ़कर अवैध तमंचे से दूसरे पक्ष पर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग हो जाने के चलते पूर्व प्रधान मुर्तजा अली के हुए तमंचे से फायरिंग के छर्रे लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने तमंचे से फायरिंग करने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विवाद इतना बढ़ गया था कि खनन माफिया दबंग व्यक्तियों ने गरीब परिवार को जमकर लाठी डंडों से भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव के व्यक्तियों ने आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की मदद से पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फायरिंग से हुए घायल व्यक्ति की नाजुक हालत देख डॉक्टरों ने मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है और उस व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, कौन से गांव के हो आप? किसी भी बात को लेकर सुबह सुबह में झगड़ा हो गया था। मेरा घर करीब में, मैं इसलिए गया, मैं देखो क्या हुआ, बाहर भी निकला गधा मजा, तो मैं बाहर भी निकला। जब देखा मैंने तू मेमोरियल, मैं भी गया। उन तीन भाइयों ने तमंचे लेकर छत से फायरिंग चालू करी, तो मेरी भी फायर लग गई सर में। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें फिलहाल तो मैं ही हूँ और दो तीन लड़के छर्रे और लगे थे, वो दो तीन छर्रे नहीं लग पाए उनके, वो भाग नहीं गए। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? वो ट्रैक्टर वैक्टर के लिए खनन होने का काम करता है ना, खनन का, तो वो ट्रैक्टर वैक्टर को लेकर विवाद था। उसने मना कर गए हैं, वो मत निकाल ट्रैक्टर, समझे, उसका काम हो रहा था, इसलिए उस चक्कर में विवाद हुआ था। पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने देख रहा, मेरे पास वीडियो भी है तमंचे चलाते हुए, तमंचे तीनों हाथ में, तमंचे एक के हाथ में माफर है, दो के हाथ में 315 के तमंचे हैं, समझे, तीन वीडियो है पूरी क्लियर हमारे पास। कौन सा गाँव? खबरिया गाँव, थाना मुंडा पांडे। अवैध तमंचे से घायल हुए पूर्व प्रधान मुर्तजा अली का कहना है कि ये लोग अवैध खनन का कारोबार करते हैं और वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उसके परिवार को इन दबंग व्यक्तियों से जान का खतरा बना हुआ है। वहीं पीड़ित पूर्व प्रधान मुर्तजा अली ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जो भी व्यक्ति इस फायरिंग व विवाद में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है।